जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इस चैनल में आपको केवल सकारात्मक जानकारी मिलती है और बहुत सटीक और सही जानकारी मिलती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप उसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसका फीस है, शुल्क लागू है दोस्तों, पे करके आप बात कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे हाथ में पैसे नहीं टिकते, पैसे नहीं रुकते हैं, पैसे आते भी हैं लेकिन नहीं रुकते हैं। हम बहुत मेहनत भी करते हैं, पैसे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं आते, पर रुकते नहीं है, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो क्या है ये पूरा सिनेरियो, क्या है ये चीजें, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम पैसे को बचा सकते हैं, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे लगता है कि आपकी जो पैसे नहीं रुकने वाली जो परेशानी है, ये खत्म हो जाएगी। सिर्फ 4 मिनट का वीडियो है दोस्तों। सबसे पहली बात है, बेसिक से शुरू करते हैं। जो सबसे ज्यादा आम लोगों को, 50% लोगों को यही परेशानी है, और वो पहला पॉइंट है, वो है उनका नशा। वो कोई ना कोई नशा करते हैं और उस नशे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। देखिए, पैसा आया आपके पास क्योंकि नशे में अभी बहुत पैसे खर्च होते हैं। आप अगर उनको महीने भर का पैसे जोड़ेंगे नशे में, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, शायद हमारी कमाई का 25 से 30% नशे में चले जाता है। तो बेसिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आपसे शेयर करूंगा। पहली बात है कि कोई भी नशा अगर कर रहे हैं तो छोड़ दें या कम कर दें। देखिए, छोड़ने का कहूंगा तो आप छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि नशा ना करें, छोड़ें। तो अगर आप रोज शराब पीते हैं या जब भी पीते हैं तो प्लीज दोस्तों उसे बंद कर दें, क्योंकि वो जीवन के लिए हानिकारक है और धन का भी हानिकारक है। दूसरा बात होता है कि हम जो भावनात्मक पहलू कर दूसरों पर खर्च करना शुरू हो जाते हैं ना, पहले अपना घर देखें, अपने बच्चे देखें, अपने परिवार देखें और अपनी आवश्यकताओं को देखें। दुनिया अपने हिसाब से सभी चीजें करती रहेगी और वो अपने हिसाब से आगे बढ़ती रहेगी। हम उस पर बिल्कुल बेशक सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी पहली और पहली प्राथमिकता हम स्वयं और हमारा से जुड़े लोग, जो परिवार के, उनको करना है, न कि किसी व्यक्ति की भावनात्मक रूप से बातों में आकर या अभाव कहें तो वो चीजें पे थोड़ा सा ब्लेम करें, वो आपको स्वतः ही दिक्कत देगा। तो ये चीज जरूर। तीसरा पॉइंट है कि हम बचत को प्रोत्साहित दें, चाहे जो भी कमाए, 10 रुपए बच रहे ना, मैं तो 10 रुपए से शुरू करता हूँ, कोई बड़ा अमाउंट नहीं। 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए पर मंथ बचाना, एक अलग से खाता खोल दे, उस खाते में डाल दे और भूल जाए उसको, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चौथी बात है, कर्ज जितना हो सके दोस्तों उससे बचे, क्योंकि कर्ज जो है वो हमारे पैसे का जो रोटेशन है वो रुकने नहीं देता, क्योंकि कर्ज है, हमें भरना है, ब्याज देना है और बहुत सारी चीजें जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। इसलिए कर्ज से बचेंगे तो पैसे रुकने का जो आपका एक पूरा सीनेरियो जो क्रिएट हो जाएगा और पैसे रुकना शुरू हो जाएंगे। पांचवी बात है कि हमेशा सकारात्मक माइंड सेटअप रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि सकारात्मक और पॉजिटिव, क्योंकि कई बार मन में एक डर होने की वजह से भी खर्च कई सारी चीजें हम कर देते हैं। एक डर जो होता है, उस डर की आवाज में हम बहुत बार धन का मिसयूज कर लेते हैं, बहुत बार खर्च कर देते हैं। और छठी बात है कि वो लोगों से दूर रहें जो आपको लालच देकर पैसे डबल करना, या पैसों के मामले में जो भी लालच देकर जो चीजें करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो हमें फरेब और हमें धोखा देंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी के धोखे या फरेब में आकर उसके धन का हानि हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत से कमाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा अपने घर को साफ रखें, साफ रखोगे माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, और महिलाओं की इज्जत करें।